घटना मुख्य रूप से जो मृतक सिराज अहमद की हत्या उसके ससुराल के लोगों की संलिप्तता के आधार पर उसकी हत्या कराई गई थी। व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान भवनाथपुर ब्लॉक में कार्य करने वाले ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सिराज अहमद के रूप में हुआ। पुलिस ने किया ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हत्याकांड का उद्भेदन, साले ने की बहनोई की हत्या। अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रमोद कुमार केसरी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भवनाथपुर प्रखंड के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर व झलुआ निवासी सिराज अंसारी को नगर उटारी थाना क्षेत्र के तुलसी दामर में विगत 14 जुलाई को अज्ञात लोगों द्वारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सिराज अहमद को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। SDPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा कर दिया है। SDPO ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की हत्या का उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था। इसके बाद एक सप्ताह के अंदर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हत्याकांड का छानबीन करने के बाद पता चला कि मृतक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सिराज अहमद द्वारा अपनी पत्नी को शादी के दूसरे दिन बाद ही छोड़ दिया था, जिसके बाद लगातार मामला कोर्ट में भी चल रहा था। इसी क्रम में सिराज की पत्नी के भाई साला ने विगत 14 जुलाई को तुलसी दामर घाटी में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। SDPO ने बताया कि गठित टीम द्वारा गत 21 जुलाई को छापेमारी कर हत्याकांड के नामजद व प्राथमिकी अभियुक्त टीपू सुल्तान एवं इमरान अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त दोनों गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। वहीं दोनों प्राथमिकी अभियुक्त टीपू सुल्तान एवं इमरान अंसारी गढ़वा थाना क्षेत्र के फरटिया निवासी नजीबुल्लाह अंसारी के बेटे हैं और मृतक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रिश्ते में साला लगते हैं और ग्राम फरटिया के ही रहने वाले हैं। नगर उटारी थाना अंतर्गत दिनांक 14/7/2023 को नगर उटारी भवनाथपुर रोड तुलसीदामर घाटी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान भवनाथपुर ब्लॉक में कार्य करने वाले ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सिराज अहमद के रूप में हुआ। घटना के उपरांत उसके भाई इशार अंसारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय गढ़वा के निर्देशानुसार एक टीम गठित कर इस कांड के उद्भेदन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक टीम गठित किया गया। इस टीम द्वारा लगातार इस कांड में शामिल लोगों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इस कांड में संलिप्त दो लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक टीपू सुल्तान और दूसरा इमरान अंसारी, पिता नजीबुल्लाह अंसारी ग्राम प्रतिया का रहने वाला है। इन दोनों के द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। साथ ही इस घटना में इन लोग के अलावे और लोग भी शामिल हैं, जिनका हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं और इन लोगों की गिरफ्तारी हेतु लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है और जल्द ही और लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें होगी। और क्या घटना सर शामिल है सर? अभी 3-4 लोग और इस घटना में लोगों का नाम आया है और उन लोगों की गिरफ्तारी हेतु लगातार हम छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही यह घटना मुख्य रूप से जो मृतक सिराज अहमद की हत्या उसके ससुराल के लोगों की संलिप्तता के आधार पर उसकी हत्या कराई गई थी, कुछ घरेलू और पारिवारिक विवाद को लेकर आगे हम लोग इसमें अनुसंधान और कर रहे हैं।